नमस्कार दोस्तों, 8 जनवरी 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट परमिट्स नीट काउंसलिंग। नीट काउंसलिंग के इश्यू को अभी टेम्परेरी बेसिस पे रिजॉल्व कर दिया गया है, इसको परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व कर दिया गया है इफ यू लुक एट द ओबीसी कोटा। बट वेन इट कम्स टू ईडब्ल्यूएस कोटा, अभी काफी सारी चीजें क्लियर होनी बाकी है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। फिर गंगा सागर मेला होता है वेस्ट बंगाल में, हाई कोर्ट ने अभी के लिए गंगा सागर मेला को अलाउ कर दिया है। 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में गंगा सागर मेला होगा, तो इसके बारे में क्या न्यूज है। ये जो सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल का, ये एग्जैक्टली कहां पे, इसकी लोकेशन को देखेंगे। फिर इंडिया के अंदर मैरिटल लेप को लेके काफी आप कह सकते हैं गर्मा गर्मी चल रही है। इंडिया में अगर आप देखो तो 18 साल से ज्यादा की उम्र के अगर हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए ठीक है, लड़की अगर 18 साल से ज्यादा की उम्र की है और उसकी शादी हो चुकी है, तो उस केस में उसका पति उसका रेप नहीं कर सकता, ऐसा इंडिया का कानून बोलता है। मैरिटल रेप का सिद्धांत इंडिया के कानून के अंदर नहीं है। अब बहुत सारे एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि भाई मैरिटल रेप का सिद्धांत जब दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में, तो इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। मतलब ये हिसाब नहीं होगा कि एक लड़की की अगर शादी हो गई है तो उस शादी के बंधन में आने के बाद वो अपनी पति की प्रॉपर्टी हो गई, तो पति फिर उसका रेप नहीं हो सकता। क्योंकि रेप का यहाँ पे परिभाषा ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेल अपने आप को एक फीमेल के ऊपर फोर्स करता है जबरदस्ती अगेंस्ट हर विल, तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। तो उस केस में ये मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो रेप नहीं होगा। तो इसके बारे में केंद्र की सरकार का क्या बोलना है, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं एनजीओस के द्वारा, केंद्र की सरकार के साथ साथ दिल्ली की राज्य सरकार का क्या बोलना है, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर भाई फाइनेंशियल ईयर 2022 के जीडीपी और जीवीए के एस्टिमेट्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई, उसको देखेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज टू क्या है, इसको देखेंगे। और चाइना ये जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो को जोड़ने के लिए जो ब्रिज बना रहा है, उसके रिस्पेक्ट में चाइना ने रिसेंटली स्टेटमेंट जारी किया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आवाज मेरी थोड़ी ढीली है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसके रिस्पेक्ट में मेरी आवाज में हो सकता है उतनी एनर्जी ना आपको लगे, बट डोंट वरी, कंटेंट पूरा होगा, तो पेशेंटली सुने। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, जितना ज्यादा कॉमेंट करके आप इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं प्लीज बढ़ाएं। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खाता बंद मिलती है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन। इफ पॉसिबल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस नीट के इशू में क्या हो रहा है पता करते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की जो ऑल इंडिया कोटा वाली सीटें थी, इसमें पहले सिर्फ एससी एसटी रिजर्वेशन ही लागू हो रहा था, ना ओबीसी वाला रिजर्वेशन लागू हो रहा था, ना ऑल इंडिया ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन लागू हो रहा था। अब जुलाई 29, 2021 को एक सरकारी ऑर्डर आया जिसमें बोला गया कि नीट की ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में ओबीसी कोटा भी लागू होगा और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा भी लागू होगा। आपको पता होना चाहिए कि राज्य की सरकार के जो कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें 85% सीट तो उस राज्य के बच्चों के लिए रिजर्व होती है, तो उस 85% में राज्य की सरकार का जो रिजर्वेशन पैटर्न है वो चलेगा और बची 15% में केंद्र की सरकार का रिजर्वेशन चलेगा। अब केंद्र की सरकार वाले कोटे के अंदर केवल एससी एसटी कोटा लागू हो रहा था, ओबीसी कोटा लागू नहीं हो रहा था, तो सरकार ने ओबीसी कोटा भी लागू कर दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला भी लागू कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को इस बात की प्रॉब्लम है कि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा आप क्यों दे रहे हो, और अगर आप दे भी रहे हो तो इसमें ये जो 8 लाख रुपए की आपने लिमिट रखी है, ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट, ये कौन से हिसाब से रखी है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एडिटोरियल में एक आर्टिकल डिस्कस करके आपसे बातचीत की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए, ओबीसी के अंदर भी एक क्रीमी लेयर होती है, नॉन क्रीमी लेयर होती है। अगर आप क्रीमी लेयर में हो, मतलब आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर हो, फिर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर आप उससे कम में आते हो तो ही आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। तो अभी भी ये जो ईडब्ल्यूएस वाला ये कह रहे हैं 8 लाख की जो लिमिट है ना, देखिए दो सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, एक तो ये सवाल उठा हुआ है। दूसरा सवाल ये उठा हुआ है कि 8 लाख की जो लिमिट रखी है आपने कि कोई हाउस होल्ड अगर 8 लाख से कम कमा रहा है तो उसको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा, इन दो चीजों के ऊपर सवाल उठा है। ठीक है, अभी के लिए सरकार ने जब नीट की काउंसलिंग सस्पेंड की थी अक्टूबर नवंबर के समय पे, तो एक कमिटी बनाई थी, उस कमिटी को लीड कर रहे थे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे,
और इस कमेटी ने 31 दिसंबर 2021 को ये रिकमेंडेशन दिया कि भाई ये जो 8 लाख की फाइनेंशियल लिमिट रखी है ईडब्ल्यूएस बेनिफिट्स के लिए ये बिल्कुल सही है अभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट तरीके से दो डिसीजन सुनाए हैं। पहला डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है 27% का नीट की ऑल इंडिया कोटा वाली सीट पे, ये सही है। देखिए इसके ऊपर तो ज्यादा आप कह लो पॉलिटिक्स थी भी नहीं, ये ओबीसी वाला रिजर्वेशन तो मिलना ही था, तो इस चीज पे यहाँ पे मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आगे आने वाले समय में ऑल इंडिया कोटा में जो भी सीटें होंगी उसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन होगा, ये चीज फिक्स होगी, इसको हटा दीजिए। जो थोड़ी बहुत बातचीत अभी बाकी रह गई है वो रह गई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करो तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये ईडब्ल्यूएस का कोटा सही है कि गलत है। दूसरा, अगर ये सही है तो क्या ये 8 लाख रुपए का इनकम थ्रेशोल्ड सही है कि नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी मिलेगी मार्च के तीसरे वीक में और इसके ऊपर बातचीत करेगी। लेकिन अभी के लिए ये जो नीट की काउंसलिंग पेंडिंग पड़ी है इसके लिए दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बवाल मचा दिया था। नीट पीजी का रिजल्ट रुका हुआ है, काउंसलिंग रुकी हुई है। तो अभी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जो 2019 में गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जिसके थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा रखा गया था और 8 लाख उसका बेंचमार्क रखा गया था, वही बेंचमार्क लागू होगा। मतलब इस साल नीट यूजी एग्जाम के लिए और नीट पीजी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम 2021 की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो वही 8 लाख रुपए सालाना हाउस होल्ड इनकम रहने वाला है। ठीक है, अगले साल से इसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे इसके लिए बातचीत करने के लिए पूरा एक साल अभी बाकी है और मार्च 3rd वीक में सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पर्टिकुलर मैटर को लेके मिलेगी और बातचीत करेगी। लेकिन 2021 में जो भी अंडर ग्रेजुएट नीट के एडमिशन होंगे, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट नीट के एडमिशन होंगे, उसमें 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी होगा और इस ईडब्ल्यूएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 लाख सालाना इनकम है। क्लियर हो गई बात, ये है यहाँ पे सीन। तो अभी के लिए जो 8 लाख, चूंकि देखिए बात ये है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सरकार का भी बोलना सही है, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है इसको बदल नहीं सकते हो, समझ गए ना। इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रूरल इलाकों में अलग लिविंग स्टैंडर्ड है, अर्बन में अलग है, एक स्टेट में अलग है, दूसरे स्टेट में अलग है, तो आप सबके लिए यूनिफॉर्म बेंचमार्क कैसे रख सकते हो। ये बात लोगों की बिल्कुल सही है, बट इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे आप ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को डिसाइड भी नहीं कर सकते। तो बेटर ये रहेगा कि अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके हिसाब से हो जाने दो, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगले साल तक डिसाइड कर लिया जाएगा कि ईडब्ल्यूएस में क्या क्राइटेरिया रखना है क्या नहीं रखना। तो बॉल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा आगे आने वाले समय में कि जो 8 लाख की लिमिट है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए सही है, ईडब्ल्यूएस कोटा अपने आप में सही है या गलत है। देखिए ईडब्ल्यूएस कोटा तो अब रहने वाला है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा नहीं हटेगा। हाँ, बेनिफिट्स आप कौन से आधार पे दोगे, यहाँ पे इकोनॉमिक बेंचमार्क्स क्या होंगे, ये डिसाइड करना अपने आप में मुश्किल सवाल है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्वियसली बात है उतर चुका है मैदान में, आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि किस प्रकार से लिमिट डिसाइड की जाएगी। जीएस पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी और जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एस्टिमेट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ एट 9.2%। क्या है यहाँ पे सीन, देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बोला है कि जो प्री कोविड साल था, मतलब 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर, कोविड का फैला आप कह लो 2020-21 में, वैसे तो जनवरी फरवरी मार्च 2020 में फैलना शुरू हो गया था, बट तरीके से इफेक्ट आया कोविड का 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। अभी हम हैं 2021-22 में। अब 2019-20 के रिस्पेक्ट में 2020-21 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, कम हो गई थी 7.3%। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी 9.2% से, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इसके लिए दो इंडिकेटर्स यहाँ पे एसेस किए जा रहे हैं, एक तो है जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, एक है रियल जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। आप बोलोगे सर ये क्या बवाल है, तो मैं हमेशा की तरह आपसे बोलूंगा मेरे रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के शुरुआती लेक्चर्स को देखिए, आपको जीडीपी जीए के बीच का फर्क पता चल जाएगा, क्या है ये कांस्टेंट प्राइस बेसिक प्राइस ये सब पता चल जाएगा। एक बहुत कम शब्दों में मैं अगर आपको जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इनके बीच का फर्क बताऊं, तो अगर आप जीडीपी में ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जीडीपी में जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं
जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया, इसको मिला दो और सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जीडीपी में अगर आप टैक्सेस को मिला दो और सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आप पहुंच जाओगे जीवीए में। जीवीए को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म समझा जाता है ग्रोथ का। देखिए वैसे तो जीडीपी को इंपॉर्टेंट समझा जाता था, लेकिन आज की डेट में जीडीपी के साथ जीवीए को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने रमेश सिंह में दिया है, अगर आपको याद हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। आपके हिसाब से मैंने आपको क्या समझाया था कि जीवीए का ये जो मेजरमेंट मैकेनिज्म है ये जीडीपी से ज्यादा कभी कभी एफिशिएंट क्यों बताया जाता है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपकी इकोनॉमी की समझ कितनी डीप है ये इस बात से मैं एसेस करूंगा। बहरहाल अभी के लिए जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है वो 2021-22 के लिए है 147.54 लाख करोड़, और प्रोविजनल फिगर्स 2020-21 के क्या है 135.13 लाख करोड़। अब आप बोलोगे सर प्रोविजनल फिगर क्यों? देखिए क्या है ना कि 2020-21 मार्च 2021 में खत्म हो चुका है 31 मार्च, लेकिन बहुत सारे कैलकुलेशंस में समय लगता है, उन कैलकुलेशंस के बहुत से ऑडिट होते हैं, तो फाइनल फिगर आते आते एक डेढ़ साल बीत जाता है। तो अभी हमारे पास 2020-21 की जीडीपी के प्रोविजनल एस्टिमेट्स है वो है लगभग 135.13 लाख करोड़, तो 2021-20 के लिए एस्टिमेट्स क्या है 147.54 लाख करोड़। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बढ़ेगा 9.2%, और वही रियल जीवीए कितना बढ़ेगा वो बढ़ेगा 8.6%। जीवीए एट बेसिक प्राइसेस 2021-22 में 135.22 करोड़ होगा और 2020-21 में 124.53 लाख करोड़ था, तो जीवीए में 8.6% का इंक्रीज है। ठीक है, तो ये दो फिगर्स हैं यहाँ पे, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, किसी पेपर में लिखने में आपको काम आ जाएंगे। अगर आप सेक्टर वाइज बात करो तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रॉस वैल्यू एडेड के जो स्टैटिस्टिक्स है माइनिंग सेक्टर के लिए, वो बताते हैं कि 2020-21 में माइनिंग सेक्टर 8.5% कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन 21-22 में 14.3% बढ़ा है। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2020-21 में 7.2% कॉन्ट्रैक्ट किया था 2020-21 में, और 2021-22 में 12.5% बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर 2021-22 में बढ़ा है 3.9% और 2020-21 में बढ़ा था 3.6%। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई अदर यूटिलिटी सर्विस कैटेगरी, ये 2021-22 में बढ़ा है 8.5%, उससे पहले 2021 में 1.9% ही बढ़ा था। कंस्ट्रक्शन 21-22 में बढ़ा 10.7% और 2020-21 में 8.6% घटा था। उसी हिसाब से देखो तो ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये 11.91% बढ़ा है 2021-22 में, लेकिन 2021 में 18.2% कम हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट टूरिज्म पूरा सेक्टर इसमें ही आ गया, वो तो ठप ही हो गया था ना कोरोना के समय पे। तो अब अगर आप 2021-22 को 2019-20 से कंपेयर करो तो अभी के लिए समझ में ये आ रहा है कि जो जीडीपी है वो लगभग 1.3% बढ़ेगी और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो लगभग 1.9% बढ़ेगा। लेकिन अभी भी इन फिगर्स में कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं? अभी आपको पता है कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस फिर से इंडिया के अंदर फैल रहा है, 1,40,000 केसेस हम लोग दिन में टच कर रहे हैं। मेरे को खुद को हो गया, मैं फर्स्ट सेकंड में बच गया था तो मुझे लगा था कि मैं मतलब मेरे हिसाब से तो देखो जो इस कोरोना की लहर से बचा ले गया अपने आप को बिना इन्फेक्ट हुए वही अपने आप में बहुत बड़ा हीरो है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी मैंने बहुत कोशिश की मास्क लगा के सैनिटाइजर सब कुछ यूज करके, लेकिन जैसे ना तैसे करके कोरोना ने पकड़ ही लिया। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप अपने आप से कोरोना से बचा पा रहे हो तीनों लेयर में और आपको नहीं हो रहा है तो ये भी एक अचीवमेंट ही है मेरे हिसाब से। बहरहाल मैं कह ये रहा हूं कि जनवरी फरवरी मार्च 2022 में अगर इन तीन महीनों में कोरोना के फैलने के चलते इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे जाती है तो ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 9.2% का जीडीपी का और 8.6% का जीवीए का ये और नीचे घट सकता है, और अगर ये और नीचे घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम की बात होगी। यहाँ पे बार बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का काम आ रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का नाम आ रहा है। एक्चुअली में समझिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के बना है, एक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO और दूसरा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO। इन दो को जोड़ के बना है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस मर्जर को अप्रूव किया था सरकार ने 23 मई 2019 को, ठीक है ना भाई। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था NSSO। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था पीरियोडिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है सर्वे अब भी करवाते हैं ये, तो
एनएसओ के अम्ब्रेला के अंदर कराते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अम्ब्रेला के अंदर करवाते हैं, ठीक है भाई। एनएसएसओ के एम्प्लॉयज की अगर आप बात करो तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से आते हैं जो कि यूपीएससी अपॉइंट करता है, सब ऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विसेज से भी आते हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। एनएसएसओ के चार डिवीजन है, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन एंड कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशन डिवीजन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या एनएसएसओ पे सवाल बन जाए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पे सवाल बन जाए, तो उस रिस्पेक्ट में एक बहुत बेसिक सी इन्फो यहाँ पे आपको दे दी। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, मैरिटल रेप ऑलरेडी कवर्ड अंडर इंडियन पीनल कोड, दिल्ली गवर्नमेंट टू हाईकोर्ट। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में अपना सबमिशन दिया है कि ऑलरेडी मैरिटल रेप को एक क्राइम ऑफ क्रुएलिटी माना गया है इंडियन पीनल कोड के अंदर। इंडियन पीनल कोड के अंदर क्राइम ऑफ क्रुएलिटी माना गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, बात ये हुआ है रिसेंटली हाईकोर्ट में बहुत सारे पेटिशनर्स ने केस फाइल किया है कि आप मैरिटल रेप को इंडिया के अंदर रिकॉग्निशन दीजिए। मतलब ये है कि कोई एक पेटिशनर होगी, इनकी शादी हुई होगी और इनके खिलाफ इनके हस्बैंड लगातार मैरिटल रेप कर रहे होंगे, लेकिन इनके हस्बैंड के खिलाफ चार्जेस क्या लगेंगे? सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी, ये बोलता है क्रुएलिटी टू मैरिड वुमेन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। अब सेक्शन 498 कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, बहुत स्ट्रांग सेक्शन है। इसमें अगर आप जेल में गए तो जेल से निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये रेप नहीं है। तो जो भी पेटिशनर्स हैं यहाँ पे और जो भी एनजीओज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीओ एरआईटी फाउंडेशन इन्वॉल्व्ड है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन इन्वॉल्व्ड है, ये सब एनजीओज ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, आईपीसी के अंदर सजा है, बट मैरिटल रेप को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप? मतलब एक औरत जो कि शादीशुदा है, अगर वो किसी अपने हस्बैंड के साथ किसी सर्कमस्टांस के अंदर फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती, उसके बाद भी उसका हस्बैंड अपने आप को उसके ऊपर अगर फोर्स करता है, तो इसको रेप माना जाना चाहिए, इसको मैरिटल रेप माना जाना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर मैरिटल रेप का प्रावधान नहीं है। इस प्रावधान को लाने की कोशिश कर रहे हैं ये पेटिशनर्स और ये एनजीओस। लेकिन दिल्ली सरकार यहां पे क्या बोल रही है कि देखिए, ऑलरेडी मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन को लेके हमारे आईपीसी में ठीक ठाक आर्टिकल्स हैं। मतलब दिल्ली सरकार का यहां पे ये बोलना है कि सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी के अंदर भी मैरिटल रेप के बराबर ही सजाएं दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग से मैरिटल रेप का प्रावधान लाके कुछ खासा कर लोगे, ऐसा यहां पे दिल्ली सरकार का बोलना है। इनफैक्ट अगर आप, केवल दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र की सरकार ने भी पहले क्लियर कट हाईकोर्ट को बता रखा है कि अगर आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हो और अलग से मैरिटल रेप के प्रावधान को इंडियन पीनल कोड में डालते हो, तो इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाएगा और बहुत आराम से हस्बैंड्स को हैरेस किया जाएगा। कुछ हद तक यहाँ पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग कानून है इंडिया के अंदर और होने भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे लेडीज को प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है शादी के बाद दहेज के लिए और बहुत सारी अलग अलग वजहों के लिए उनको परेशान किया जाता है। एक बेटी पैदा हो गई तो उसके लिए औरतों को प्रताड़नाएं दी जाती हैं, जबकि इन जाहिलों को ये नहीं पता है कि बेटी या बेटा पैदा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हस्बैंड के स्पर्म्स में क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो कुल मिला के लेडीज के फेवर में है कानून, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन केंद्र की सरकार का बोलना है कि ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे गए हैं जहां पे कुछ लेडीज ने गलत तरीके से इस कानून का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से आदमियों को फंसवाया है, उनकी फैमिली को फंसवाया है, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की है, ज्यादा पैसा मांगने की कोशिश की है। तो इस केस में अगर आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देते हो तो हस्बैंड को किसी भी केस में फंसा पाना एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फर्जी केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, फर्जी कंप्लेनें बहुत बढ़ जाएंगी। इसके लिए मैरिटल रेप को इंडिया के अंदर क्रिमिनलाइज करने के फेवर में नहीं है केंद्र की सरकार, और दिल्ली सरकार के स्टेटमेंट से भी यही लग रहा है। अगर पहले देखा जाए तो अक्टूबर 2017 से पहले अगर एक शादीशुदा मर्द और औरत जिसकी एज 15 साल से ज्यादा की है, अगर उसके और उसके हस्बैंड के बीच में फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, तो उसको रेप नहीं कहा जाएगा, इवन इफ दैट फिजिकल रिलेशन इज विदाउट हर कंसेंट। अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस लिमिट को 18 साल कर दिया। तो अभी के लिए कुछ हिसाब ऐसा बन रहा है कि एक शादीशुदा कपल के अंदर अगर वाइफ 18 साल से ज्यादा की है, तो उस केस में अगर उसके कंसेंट के बिना भी उसके साथ अगर फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करता है उसका हस्बैंड, तो उस केस में उसको मैरिटल रेप नहीं कहा जाएगा। ये जो पेटिशनर्स है ना, एनजीओस हैं, ये इसी को मैरिटल रेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिटल रेप, अच्छा
कुछ हद तक देखा जाए तो पेटिशनर्स की बात भी सही है। एक लेडी का उसके शरीर के ऊपर पूरा अधिकार होता है, उसकी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हस्बैंड जो जब चाहे जैसे चाहे उसके साथ कर सके। तो इसके दो पहलू हैं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं जहां सच में औरतों को परेशान किया जाता है, लेकिन मैरिटल रेप इसको क्रिमिनलाइज करने के बाद कुछ ऐसे केसेस भी यहां पे निकल के आएंगे जहां पे हस्बैंड को और उसकी फैमिली को फर्जी तरीके से इस प्रकार के केसेस में फंसाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में भरोसा कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल देखा जाए तो मैरिटल रेप एक्सक्लूजन को हमारे यहाँ पे पैट्रियार्चल बिलीफ का एक एग्जाम्पल माना गया है। मतलब कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, मतलब एक लेडी के पास ये अधिकार है कि उसके शरीर के साथ क्या हो क्या ना हो। उस केस में अगर आप मैरिटल रेप को एक एक्सेप्शन देते हो तो आप उस लेडी से उसका अधिकार छीन रहे हो। जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। किस बेसिस से बोला था? एडल्ट्री क्या होती पहले ये समझो। मान लीजिए कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो वो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में, लीगल रिलेशनशिप में शादी हो चुकी है, लेकिन उस केस में अगर उस मतलब हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है या उसकी वाइफ किसी दूसरे आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो इसको एडल्ट्री बोला जाता है। समझ रहे हो? एडल्ट्री। इस एडल्ट्री का बेस यहां पे क्या था? बेस ये था कि किसी की वाइफ अगर दूसरे के साथ रिलेशन बना रही है तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो वाइफ उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। इस बेसिस पे एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, एडल्ट्री एक क्राइम था इंडिया के अंदर, ठीक है ना, कि आप अपने मैरिड रिलेशन के बाहर जाके किसी के साथ फिजिकल रिश्ता बना रहे हो, ये गलत है। लेकिन उसका बेस क्या था? बेस उसका ये था कि जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, तो चूंकि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी तो वो कहीं और नहीं जा सकती, तो इस बेसिस पे एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे मैरिटल रेप के केस में भी निकल के आ रहा है कि एक वाइफ की हस्बैंड के साथ शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड को अनफेटर्ड तरीके से कोई भी हक मिल गया, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस वाइफ के पास अपने भी राइट्स हैं और उन राइट्स को रियलाइज करने के लिए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना जरूरी है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों, मैं आपसे भी इस सेंसिटिव टॉपिक के रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या आपके पास कोई बैलेंस्ड व्यू पॉइंट है? और बहुत सीरियसली इस क्वेश्चन को कंसीडर करिए, चूंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस के फेवरेट होते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, जीएस पेपर 1 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटीज और इश्यूज ऑफ वुमेन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, हाई कोर्ट अलाउस गंगा सागर मेला। भैया कलकत्ता हाई कोर्ट ने गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में होगा इसको अलाउ कर दिया है। ओके, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, राज्य की सरकार ने नहीं। राज्य की सरकार से भी कुछ दिन पहले उनके व्यू पॉइंट्स मांगे गए थे, तो राज्य की सरकार ने यह बोला था कि भाई देखिए ये कोई गवर्नमेंट इवेंट नहीं है गंगा सागर मेला, तो हम इसको आउटराइट बैन नहीं कर सकते। देखिए यहां पे पॉलिटिक्स की बात है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बीजेपी बंगाल के अंदर जीतने की कोशिश कर रही थी, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला हिसाब हो गया था। अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार को बहुत हद तक प्रो मुस्लिम समझा जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बोल दिया कि भाई ये गंगा सागर मेला तो हिंदू फेस्टिवल है, अगर हमने इसको बैन कर दिया कोविड को लेकर तो हमारी सरकार के लोग अगेंस्ट ना हो जाए। तो तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया कि भैया देखिए हम इस प्रकार के रिलीजियस फैक्टर्स को बैन नहीं कर सकते। अब बॉल चली गई किसके पास? कलकत्ता हाईकोर्ट के पास। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी के लिए बोल दिया कि 8 जनवरी से 16 जनवरी होने वाला जो गंगा सागर मेला है ये बैन नहीं होगा, ये होगा, लेकिन इसको कंडक्ट करने के लिए ओवरऑल सेफ्टी नॉर्म्स को डिवाइस करने के लिए एक कमिटी यहां पे बनाई जाएगी। ठीक है ना, तो जो बेंच थी कलकत्ता हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस केडी भूटिया, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि पहली बात तो आप सेक्शन 3 ऑफ द गंगा सागर मेला एक्ट के अंदर सागर आइलैंड को एक नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर करो, और चूंकि ये नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर हो गया है तो इस कंटेक्स्ट में इस एरिया में कितने घुस सकते हैं, कितने नहीं घुस सकते हैं, कब घुस सकते हैं, कौन सी कंडीशंस के आधार पे घुस सकते हैं, ये सब डिवाइड करेगी एक कमिटी। इस कमिटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होंगे वेस्ट बंगाल स्टेट असेंबली के, चेयरमैन ऑफ वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राज्य की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और ये सब मिलके इस बात पे डिसाइड करेंगे कि सागर आइलैंड में कितने लोगों की एंट्री होगी, के शेड्यूल के हिसाब से एंट्री होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जनवरी टू 16 जनवरी जब ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होना। प्लस वेस्ट बंगाल के होम सेक्रेटरी को यहाँ क्लियर कट डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आप डेली न्यूज़पेपर पर एडवर्टीजमेंट छापिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पब्लिक को अवेयर करिए
कि गंगा सागर मेला को अटेंड ना करें, खतरा है 8 जनवरी से 16 जनवरी 2022 के बीच में। ठीक है, तो राज्य की सरकार ने आउटराइट इस मेले को बैन नहीं किया। राज्य की सरकार को डर था कि कहीं लोग नाराज ना हो जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन में कभी भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती हैं जब उनके अगेंस्ट जाने लगी चीजें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, आप मेला अटेंड कर सकते हो, लेकिन अटेंड करने के समय पे प्रॉपर किस तरीके से अटेंडेंस होगी, कैसे एंट्री होगी, उसके लिए हमें कमेटी बना देते हैं, कमेटी हर चीज देखेगी। तो अभी के लिए तो गंगा सागर मेला हो रहा है। इसके बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल है, सागर द्वीप आइलैंड, सागर आइलैंड पे मनाया जाता है। सागर आइलैंड कहाँ है, तो ये आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री दिख रही, इधर बांग्लादेश शुरू हो जाता है, यहाँ कलकत्ता दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ आपको अगर आप बिल्कुल इसको जूम इन करेंगे तो ये आपको सागर आइलैंड नजर आ रहा है। यहाँ पे मनाया जाता है आपका गंगा सागर मेला। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, कुंभ मेला के बाद अगर सबसे बड़ा त्यौहार आता है कोई, तो वो गंगा सागर मेला है। ठीक है, 6 डे का फेयर है, जनवरी के महीने पे मनाया जाता है ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। इसमें होली वाटर्स में बौत लेते हैं कौन, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, और कपिल मुनि टेम्पल के पास आके वो अपनी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। गंगा सागर लार्जेस्ट विलेज है सागर आइलैंड का, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है ये। ओके, और गंगा सागर जस्ट उसी जगह पे, जिस जगह पे जो गंगा जी हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो इसलिए भी इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज और कल्चर, और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्थ एंड जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। इस फेज 2 को समझने से पहले आपको फेज 1 भी पता होना चाहिए, और बेसिकली ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है इसको यहां पे समझने की जरूरत है। देखिए, कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन तो इंडिया के अंदर होता ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर जोरों शोरों से सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो भाई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दूसरे जो रेन्यूएबल सोर्सेज है उनके थ्रू एनर्जी जो पैदा हो रही है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में है सरकार। लेकिन एनर्जी को सिर्फ पैदा कर पाना ही एक इशू नहीं है, एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए उस एनर्जी का ट्रांसमिशन करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये भी बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर अगर आप रेन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स देखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी अच्छी खासी पैदा होती है। अब सब इन स्टेट्स में इस्तेमाल नहीं होती है, कुछ बाकी स्टेट्स में इस्तेमाल होती है, तो बाकी स्टेट में उसको ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस आपको लगानी पड़ेंगी और कन्वेंशनल ग्रिड के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कन्वेंशनल ग्रिड क्या हो गई सर यहाँ पे, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कंपनी का नाम सुना होगा PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। तो जो भी कोल से पावर पैदा होती है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बदरपुर में NTPC का थर्मल पावर प्लांट है, वहां से जो पावर पैदा हुई उसको लेके फरीदाबाद तक गए, गुड़गांव तक लेके गए, तो उस पावर को ट्रांसमिट करना भी एक बड़ी चीज होती है, उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस लगानी पड़ती है। उसी प्रकार से जो ग्रीन एनर्जी पैदा हो रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ेगी। इन ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए जो पहला फेज था इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर वो चालू किया गया, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 1, जिसको इंप्लीमेंट किया गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में, जिसके चलते जो एक्स्ट्रा 24 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा हो रही थी इसको ट्रांसमिट करने के लिए 22,600 MVA सबस्टेशन लगाना और 9,700 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स लगाना। टोटल खर्चा 10,141 करोड़ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म किया लगभग 4,056 करोड़। तो ऐसा ही एक फेज यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 है, जिसमें टोटल खर्चा आ रहा है 12,031 करोड़ का। टोटल 10,750 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस लगाई जाएंगी और 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर सब स्टेशन लगाए जाएंगे। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। 33% खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी, जो कि लगभग निकल के आता है 3,970 करोड़। तो ये एक सिंक्रोनाइज्ड प्लान है, जिस प्रकार से ग्रीन एनर्जी पैदा करना एक टारगेट है, उसी प्रकार से ग्रीन एनर्जी को पैदा करके उसको दूसरी जगहों पर ट्रांसमिट करना एफिशिएंट वे में, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के थ्रू। जीएस पेपर 3 एनर्जी में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, चाइना डिफेंस ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो भाई पैंगोंग लेक के
ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 25 किलोमीटर अपने साइड पे चाइना बना रहा है एक ब्रिज जो कि नॉर्थ बैंक को साउदर्न बैंक से जोड़ेगा, ताकि नॉर्थ बैंक में जो गैरिसन है पीएलए का और साउथ बैंक में जो गैरिसन है पीएलए का, ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सके। इंडिया ऑब्वियसली बात है इस चीज़ को प्रोटेस्ट करेगा, चूंकि अक्साई चिन का पूरा इलाका इंडिया का था। एक गलती के चलते 1962 की जंग में ये इलाका पूरी तरीके से चाइना के पास चला गया। अभी के लिए 38,000 किलोमीटर का अक्साई चिन चाइना के पास है, जो कि हमारी टेरिटरी हुआ करता था। हालांकि इंडिया ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा पैसे का एलोकेशन करके बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा कर लिया, कई सारे रोड्स ब्रिजेस बना दिए हैं, बट जो इलाका चला गया वो चला गया, इसका आना काफ़ी मुश्किल है। जिस पेपर थी सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज में, न्यूज़ आपको कामेगी। अच्छा सॉरी, एक और न्यूज़ है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022। देखिए सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज हो रही है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, साउथ कोरिया और जापान ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएस एयरफोर्स बेस एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में ये एक्सरसाइज हो रही है, एक यूएस लेड एक्सरसाइज है। इट विल फोकस ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग, और इस एक्सरसाइज में इंडो पैसिफिक रीजन में जो ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। 270 घंटे की इन फ्लाइट ट्रेनिंग भी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, साउथ कोरिया, जापान की मिलिट्रीज आके पार्टिसिपेट करेंगी, आर्मी भी, नेवी भी, एयरफेयर्स भी। और ओवरऑल जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी उसको मिलेगा यहाँ पे ड्रैगन बेल्ट अवार्ड। अब आप बोलोगे सर ये ड्रैगन बेल्ट अवार्ड क्या है, ये तो हम नई चीज़ सुन रहे हैं। तो नई चीज़ कुछ नहीं है, जो भी मिलिट्री फोर्स यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है उसको एक अवार्ड दिया जाता है। जैसे 2021 में ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया गया था रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स को, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इस एक्सरसाइजेस में जो अच्छा पार्टिसिपेट करेगा उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है इस प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज दे आर बेसिकली एम्ड एट चाइना। चाइना अपने इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 80% चाइनीज ऑयल इंपोर्ट्स मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिंगापुर के पास से, और वो ऑब्वियसली बात है इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। और इंडियन ओशन में अपने इन्फ्लुएंस को चाइना धीरे धीरे बढ़ा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, म्यांमार हो, सेशेल्स हो, इनको वेपन्स बेच रहा है, ठीक है, इनके साथ इनको लोन मार रहा है, कॉलोनाइज करने की तरह कोशिश कर रहा है। फिर वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो ईस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके साथ अपने रिश्ते स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इंडियन ओशन के अंदर जो मैरीटाइम रूट है ना, इसको चाइना कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। जिस पेपर थ्री डिफेंस, और जिस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, काफी मदद मिलती है उससे। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय।